आईटीआई 2022 के गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे फोर्थ मेरिट लिस्ट का, तो फिलहाल फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए सरकार का नोटिस आ गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि फोर्थ मेरिट लिस्ट की शुरुआती डेट नहीं आती है, सिर्फ लास्ट डेट आती है। और अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो अभी वहाँ पर मेरिट भी नहीं बनेगी और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है मेरिट नहीं आती है। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में तीन चार बातें हैं जो मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। साथ में गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें जो है लास्ट डेट के बारे में पूरी चर्चा की गई होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है कि अगर आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो जाता है और आप चाहे सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेते हैं चाहे प्राइवेट में लेते हैं, तो आईटीआई की क्लासेस जो हैं वो जल्द ही मेरे चैनल पर शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं आपको ट्रेड वाइज सिलेबस डाउनलोड करना बताऊंगा, ट्रेड वाइज जानकारी बताऊंगा और ट्रेड वाइज आपको क्या पढ़ना है, फाइल कैसे बनाना है, बुक कौन सी लेनी है, ये सारी जानकारी जो है जैसे ही फोर्थ मेरिट लिस्ट का एडमिशन ख़त्म हो जाएगा मैं अपने चैनल माध्यम से शुरू करूँगा। तो जिन छात्रों को का एडमिशन हो गया है वो भी छात्र ध्यान देंगे और जिनका जो है फोर्थ मेरिट में एडमिशन होगा वो भी छात्र ध्यान देंगे और जिनका प्राइवेट में जो एडमिशन लेंगे वो तो छात्र विशेष रूप से ध्यान देंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो राज्य व्यावसायिक परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो है लेटर लिखा गया है, समस्त जेडी को और प्रधानाचार्य गवर्नमेंट आईटीआई को, प्रधानाचार्य प्राइवेट आईटीआई को, इनको लेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर विषय देख सकते हैं आप, कि प्रदेश में स्थित राजकीय और जो है निजी आईटीआई में अगस्त 2022 में प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में जो अवशेष सीट हैं चतुर्थ आवंटन हेतु निर्देश, मतलब फोर्थ जो काउंसलिंग है फोर्थ या मेरिट लिस्ट है उसके लिए जो है निर्देश दिए हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, नोट लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य विशेष ध्यान दें कि एनसीबीटी और एससीबीटी पाठ्यक्रम के लिए चयनित अभ्यर्थी को निम्नानुसार निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रत्येक दिशा में प्रवेश दिलाना जो है वो सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रधानाचार्य संबंधित अभ्यर्थियों को अपने आवंटन संस्थान व्यवसाय को निर्धारित तिथि के अनुसार जो है 30/9/2022 तक प्रदेश जो है प्रवेश दिलाकर सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो आपका 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब आप लोग कैसे पता चलेगा कि आपका नाम आया है कि नहीं आया, इसके लिए आपको या तो 28 तारीख को या फिर 29 तारीख को जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगी प्रत्येक आईटीआई की और उसी के जो है आईटीआई के नोटिस बोर्ड पे चस्पा हो जाएगी मतलब लग जाएगी। तो अगर आप नोडल आईटीआई में जाएंगे तो सभी आईटीआई की मेरिट लिस्ट लगभग 28 या 29 तक जो है वो लग जाएगी वहाँ के कॉलेज में। और आप लोग जो है अगर 28 को लग जाती है तो 29-30 दो दिन में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप 29 को लगती है तो आप लोग 30 तारीख को एडमिशन लेंगे। फिलहाल 30 तारीख जो है एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। तो ऐसे में आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेरिट लिस्ट नहीं आती है, आप लोगों को उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ आपने अप्लाई किया है। अगर एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई किया तो आपको नोडल कॉलेज में जाना पड़ेगा, नोडल आईटीआई मतलब शहर का मेन आईटीआई, उस आईटीआई में जाएंगे तो सब उस जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें सभी आईटीआई 4-5 जो हैं उनकी मेरिट लिस्ट वहां पर लगी होगी। तो आप लोग जो है अभी जो है रैंक कार्ड भी जमा होना है, रैंक कार्ड का जो है वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, रैंक कार्ड का जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। फिलहाल आप लोग अलर्ट हो जाइए, 30 जो है सितंबर तक एडमिशन लेने की लास्ट डेट है और मेरिट लिस्ट जो है वो 28 और 29 को जो है वो कॉलेज द्वारा प्रिपेयर की जाएगी और उसके नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो जाएगी। तो आप लोग जो है उसका इंतज़ार करिए, उससे पहले अगर कोई रैंक कार्ड का लिंक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसको आप लोगों को डाउनलोड करके जो है कॉलेज में जमा करना होगा जहां पर आपको एडमिशन लेना है। अगर एक से ज़्यादा कॉलेज जमा किया तो नोडल आईटीआई में जमा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट का एडमिशन लेने की लास्ट डेट जो है वो 30/9/2022 है और जो फोर्थ जो है मेरिट लिस्ट है वो या तो 28 तारीख में या तो 29 कॉलेज में जो है नोडल आईटीआई में या फिर जिस आईटीआई में आपने अप्लाई किया उस आईटीआई में लग जाएगी, आप लोग देख सकते हैं जाके। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।